Hello everyone, this side Pooja Rachor, and in today's video we will do part 2 of chapter number 5th Yeti from class 4th. Okay, class 4th mein ye chapter 5th hai Yeti, jiska aaj hum part 2 study karenge. Part 1 mein humne iske bare mein jana ki Yeti is a big, very huge creature jo apne 2 leg par chalta hai. एंड इसको हम और क्या बोलते हैं, स्नोमैन भी बोलते हैं, राइट. ये माउंटेन में रहते हैं. सो आगे की स्टोरी अब हम स्टडी करेंगे. इन 1951 माउंटेनियर एरिक शिप्टन एंड हिज पार्टी वर एक्सप्लोरिंग एज एन अननोन पार्ट ऑफ द हिमालय व्हेन दे केम अक्रॉस अ लाइन ऑफ स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स इन द स्नो. 1951 में जो माउंटेनियर था एरिक शिप्टन और जो उसकी पार्टी थी, उन्होंने एक्सप्लोर किया एन अननोन पार्ट ऑफ द हिमालय, एक उस पार्ट को जिसे कोई नहीं जानता था हिमालयस के. व्हेन दे केम अक्रॉस अ लाइन ऑफ स्ट्रेंज फुटप्रिंट इन द स्नो, जब उन्होंने वो स्ट्रेंज लाइन देखी जो फुटप्रिंट थे स्नो में, उन्होंने उस चीज को एक्सप्लोर किया. द फुटप्रिंट प्रिंट्स लुक्ड सिमिलर टू ह्यूमन फुटप्रिंट्स, वो जो फुटप्रिंट्स थे वो सिमिलर लगते थे जैसे ह्यूमन फुटप्रिंट हो. बट दे वर ट्वाइस एज वाइट, बट जो ह्यूमन का फुटप्रिंट साइज होता है और जो माउंटेनियर ने, जो एरिक शिप्टन है, उन्होंने जो साइज एक्सप्लोर किया वो एक तरीके से आप बोल दो डबल था उसका साइज. दे हैड सन्क मच डीपर इन टू द स्नो दैन द क्लाइंबर्स बूट प्रिंट्स. So they must have been made by an incredibly heavy creature. So they had sunk much deeper into the snow than the climber's boot prints. उन्होंने देखा कि ये तो उससे भी ज़्यादा गहरा है जो footprint. जब आप स्नो में अपने फुट रखते हैं, जो हिल स्टेशन जाते होंगे उनको पता होगा, जब स्नो होती है, स्नोफॉल होता है और आप जब उस पर चलते हैं तो आपके फुट उस पर प्रेशर करेगा, राइट. सो वो कह रहा है कि जैसे हम बूट पहनकर उस पर चढ़ते हैं और उस टाइम जो प्रिंट वहाँ आता है, जितना गहरा होता है, ये जो हमें ट्वाइस जो डबल साइज़ वाला फुट प्रिंट मिला है, ये उससे भी गहरा था. सो दे मस्ट हैव बीन मेड बाय एन इनक्रेडिबली हैवी क्रिएचर, तो ये ज़रूर एक ऐसे हैवी क्रिएचर ने बनाया होगा, उसके फुटप्रिंट होंगे जो कि इनक्रेडिबली है, मतलब जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते. मोस्ट अमेजिंग ऑफ ऑल द क्लियर टॉप प्रिंट्स शो दैट द क्रिएचर वॉज वॉकिंग बेयर फुट इन द फ्रीजिंग स्नो. और जो अमेजिंग थिंग थी इस सारे में वो ये था कि जो उसके क्लियर टॉप प्रिंट थे, मतलब टो तक के प्रिंट उसके क्लियर थे, वो शो करता है कि जो क्रिएचर था वॉज वॉकिंग बेयर फुट इन द फ्रीजिंग स्नो. कि वो ये शो करता है कि जो आपका क्रिएचर था जिसकी वो बात कर रहे हैं आपस में, वो क्रिएचर नंगे पैर इस स्नो में चला है. इन 1970 अनदर माउंटेनियर हैड एन इवन क्लोजर एनकाउंटर विद अ येटी. अब 1970 में भी एक और माउंटेनियर थे जिन्होंने कुछ ऐसे ही बातें की थी येटी के बारे में. डॉन विलियम्स वॉज क्लाइंबिंग इन द हिमालयस व्हेन अ शर्पा गाइड कॉल्ड आउट येटी कमिंग. डॉन विलियम्स विलियम्स वॉज क्लाइंबिंग, वो क्लाइंब कर रहे थे हिमालय में, जब एक शर्पा ने बोला, गाइड ने बुलाया कि येटी कमिंग, कि येटी आ रहा है. डॉन लुक्ड अप बट ओनली कॉट अ क्विक लुक एट द ब्लैक एप लाइक फिगर बिफोर इट डिसअपियर्ड बिहाइंड अ राइड. डॉन लुक्ड अप, डॉन ने ऊपर देखा, बट ओनली कॉट अ क्विक लुक, बट उसने एक छोटा सा क्विक लुक देखा, जैसे कि आप सडनली, आपको कोई बोला कि देखो वो आ रहा है और आपने देखा इतने में वो चला गया, तो एक हल्की सी झलक उसे नज़र आई जो कि ब्लैक थी, एप लाइक थी, कुछ बड़ा सा बंदर टाइप था. एप की देखो मूवीज़ भी आई हैं, राइट, आपने देखा होगा. सो उस फिगर टाइप की थी. बिफोर इट डिसअपियर्ड बिहाइंड अ राइड रिच, तो वो एक तरह से डिसअपियर हो गई. नेक्स्ट डे डॉन फाउंड द क्रिएचर्स फुटप्रिंट्स इन द स्नो. दे वर अबाउट द सेम साइज एज हिज फुट बूट प्रिंट्स. फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उस माउंटेनियर ने उस क्रिएचर के फुटप्रिंट्स देखे, उसको मिले उसके फुटप्रिंट्स, एंड उसका साइज़ कैसा था, जैसे कि उसके बूट थे,
बूट प्रिंट साइज था उसका. द शेरपा गाइड टोल्ड हिम दैट द फुट प्रिंट्स वर दैट ऑफ अ बेबी येटी. कि शेरपा ने, शेरपा आपको बताया था लास्ट वाले पार्ट, फर्स्ट पार्ट में, कि शेरपा होता है जो गाइड करता है दूसरों को माउंटेन्स में, पहाड़ों में जो गाइड होते हैं उन्हें हम शेरपा बोलते हैं. तो उन्होंने उस माउंटेनियर को बताया कि ये जो फुटप्रिंट है ना, ये तो येटी के बेबी का है. सोचो, येटी के बेबी का फुटप्रिंट, बड़े जो हमारे बड़े लोग होते हैं जब वो स्नो में जाते हैं वो बूट पहनते हैं, उसके साइज़ का है. तो जो येटी का यंगर बड़ा होगा, जो एक्चुअल में येटी है, तो उसका साइज़ फुटप्रिंट का तो और बड़ा होगा, राइट. लेटर दैट नाइट डॉन सॉ द क्रिएचर अगैन. अब लेटर दैट नाइट, अब रात को क्या हुआ, बाद में डॉन ने उस क्रिएचर को दोबारा देखा. He was looking out of his tent into the bright moonlight when it came looping along. He was looking out of his tent. वो अपने टेंट से बाहर देखने लगा. Into the bright moonlight, जो वो चांद, मून की जो लाइट आ रही थी. When it came looping along, जब वो उस मून लाइट में चमक रहा था, तब Don was looking out of his tent. It headed for a clump of trees and began pulling the branches. वो क्या कर रहा था, ट्रीज पे क्लम्प कर रहा था और ब्रांचेस को पुल कर रहा था. डॉन ग्रैब्ड हिज बायनोकुलर्स. डॉन ने जल्दी से अपना बायनोकुलर्स निकाला. बट द क्रिएचर सडनली नोटिस हिम. पर जो वो क्रिएचर था, जो येटी था, उसने सडनली डॉन को क्या कर लिया, नोटिस कर लिया कि वो उसे देख रहा है. एंड रेन अक्रॉस द माउंटेन एंड आउट ऑफ साइट. और वो जल्दी से माउंटेन में चला गया, जो कि वो आउट ऑफ साइट हो गया. आउट ऑफ साइट का मतलब जब उसे नज़र नहीं आने लगा, इतनी दूर चला. द नंबर ऑफ येटी साइटिंग्स गॉट द इंटरेस्ट फॉर ऑफ सम साइंटिस्ट. दे स्टडीड फोटोज एंड प्लास्टर कास्ट ऑफ येटी फुटप्रिंट्स एंड देन कंपेयर्ड दैट विद अदर एनिमल्स फुटप्रिंट्स. दे डिसाइडेड दैट द येटी फुटप्रिंट्स कुड नॉट हैव बीन मेड बाय अ डियर एंड एट एंजेला और एनिमल नॉन एनिमल्स. तब तो साहब इन फोर लाइन्स में कि जो येटी है, कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने येटी की प्रेजेंस को कैच किया एंड उन्होंने स्टडी किया फोटोज़ को, इवन द प्लास्टर कास्ट ऑफ येटी फुटप्रिंट्स. जैसे हमारे फुटप्रिंट्स का प्रिंट लिए जाते हैं प्लास्टर पर, ऐसे ही येटी के जो फुटप्रिंट थे उसको प्लास्टर में कन्वर्ट किया गया. एंड देन कंपेयर टाइम विद द अदर एनिमल फुटप्रिंट. फिर उन प्रिंट को जो प्लास्टर पर थे येटी के, उसे बाकी एनिमल के फुटप्रिंट से कंपेयर किया गया और ये डिसाइड हुआ कि येटी के जो फुटप्रिंट है ये कभी भी किसी और एनिमल के तो नहीं बनाए जा सकते, नहीं बन सकते. जैसे कि कोई बेयर हो गया, कोई ईट हो गया, या एंटीलॉप हो गया, जिन एनिमल्स को हम जानते हैं उनके प्रिंट का जो, उनके फुटप्रिंट का जो प्रिंट होता है, सो वो येटी के फुटप्रिंट से कभी भी मैच नहीं हो सकते. अपार्ट फ्रॉम फुटप्रिंट्स, डिजिटल एविडेंस अबाउट द येटी हैज़ बीन फाउंड. अब फुटप्रिंट्स के अलावा भी कुछ ऐसे एविडेंस थे छोटे छोटे जो येटी की प्रेजेंस को शो करते हैं. येटी फुटप्रिंट्स आर स्टिल बीइंग फाउंड. अभी भी येटी के फुटप्रिंट्स पाए जाते हैं. इन 1992 जूलियन फ्रीमैन अजूबा फाउंड फुटप्रिंट्स ऑन ए ग्लेशियर दैट नो वन हैड क्लाइम्ड फॉर 30 इयर्स. 1992 में जूलियन फ्रीमैन अजूबा ने येटी के फुटप्रिंट्स को पाया, जबकि वहाँ पे 30 इयर्स में किसी ने भी चढ़ाई नहीं की थी. विल द मिस्ट्री ऑफ द येटी बी सॉल्व. क्या ये कभी मिस्ट्री जो येटी की है वो सॉल्व हो पाएगी. वट सॉर्ट ऑफ अ क्रिएचर इज इट. कैसा क्रिएचर था ये. वेयर डज इट स्लिप. कहाँ सोता था. हाउ डज इट फाइंड इनफ फूड टू सर्वाइव ऑन द स्नो कवर्ड माउंटेन्स. उसे जो स्नो कवर्ड माउंटेन है वहाँ पर खुद को सर्वाइव करने के लिए फूड कहाँ से मिलता था. आर सम माउंटेनियर्स गोइंग टू मीट अ येटी और ऑन वन ऑफ देयर क्लाइम्स. क्या जो माउंटेनियर्स थे वो येटी से मिले जो चढ़ाई करते थे. मे बी वन डे वी विल डिस्कवर द आंसर. शायद एक दिन हमें इन सब क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए. सो स्टूडेंट्स, ये आपकी, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था. आज की
एंड स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, यूति के बारे में, एक न्यू एनिमल के बारे में जानने को मिला आपको. सो वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई होप आप सभी ने इन्जॉय किया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू वॉन्ट एनी वीडियो, सो जस्ट सेंड द PDF ऑन दिस ईमेल ID. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.